छत्तीसगढ़ के कोरबा में 20 साल की युवती की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसका शव खून से लथपथ घर के कमरे में मिला। शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपी ने 51 बार धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार किए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को राजनांद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। इसके बाद उसका बैंक अकाउंट चेक किया गया था। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई। आरोपी के बैंक डिटेल से पुलिस उस तक पहुंची है। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अहमदाबाद चला गया था। हत्या करने से पहले उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि लड़की के सीने, गले, चेहरे और पीठ पर कुल 51 गहरे जख्म थे। वारदात के दौरान लड़की ने बचाव के लिए संघर्ष भी किया था, जिसके चलते उसके हाथ पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई। आरोपी ने लड़की का मुंह तकिए से दबा दिया था ताकि वो शोर ना कर सके। रिपोर्ट, मिनी टीवी भारत।